तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जितने भी लोग ग्रेजुएशन में इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं और बीए सेमेस्टर दो का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए है, ठीक है। बीए सेमेस्टर टू में एग्ज़ाम देने वाले हैं, मेजर पेपर यानी कि ऑनर्स पेपर इंग्लिश है। तो एमडी पेपर टू में आपको क्या क्या पूछा जाएगा वो चीज़ पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, मेजर यानी कि आपका ऑनर्स पेपर होता है, और इसमें चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो, अगर आपका सब्जेक्ट सिलेबस में क्लासिकल लिटरेचर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ठीक है, तो आपके क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा एग्जाम में भिड़ने वाले हैं। यह एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और टॉपिक जो है क्लासिकल लिटरेचर से है। यहाँ पर आपको अभिज्ञान शकुंतलम के क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, रामायण के देखने को मिलेंगे, डिवाइन कॉमेडी के देखने को मिलेंगे, फिर सेलर वाला जो होता है वो क्या नाविक था, ठीक है, उस सेलर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो सिंधबाद से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस टाइप से यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की संभावना रखती है, ठीक है। तो आप लोग के सामने अगर कॉपी पेन होगा तो नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद सब्जेक्टिव आएगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हु क्रश्ड शकुंतला, तो शकुंतला को किसने श्राप दिया था दोस्तों? शकुंतला को ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया था। शकुंतला जो है राजा दुष्यंत के ख्याल में डूबी हुई थी, और ऋषि दुर्वासा आ गए उनके कुटिया में, तब वे किसी और ध्यान में थी, और वो मतलब अच्छे ढंग से उनको जो है सत्कार आदर सरकार नहीं मिला ऋषि दुर्वासा को। ऋषि दुर्वासा ने श्राप दे दिया कि तुम जिसे के याद में खोई हुई हो वो तुम्हें भूल जाए। तो फिर बोला कि गुरुवर इतना बड़ा श्राप मत दीजिए। तब फिर बोला कि तुम्हें जब तुम उनको अंगूठी दिए थे शकुंतला को, किसने? राजा दुष्यंत ने। तो वो अंगूठी दिखाएगी तब तुमको वो सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, ठीक है, उनको याद आ जाएंगी। तो इस तरह से कहानी है, कहानी अभी मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज द सोर्स ऑफ शकुंतला स्टोरी, तो अभिज्ञान शकुंतलम जिसको कालिदास ने लिखा है, ठीक है, यह कहाँ से लिया गया है दोस्तों? यह महाभारत से लिया गया है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास है महाभारत के रचयिता, ठीक है। अगला है, सिंधबाद वाज डैश इन बगदाद, तो सिंधबाद जो है बगदाद में क्या हो गया था? बोर हो गया था रह रहकर। क्यों बोर हो गया था दोस्तों? वह उब चुका था यार, बोल रहा था कि यार मुझे दुनिया घूमना है और मैं कहाँ पे आके अटक गया हूँ, ठीक है। तो बगदाद में वह नाविक जो है परेशान हो गया था रह रहा, क्योंकि वह दुनिया घूमना चाहता था, तो वह बोर हो गया था। ऑप्शन टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है कि हु इज द ग्रेटेस्ट वॉरियर, ठीक है, कौन लड़ाकू था, महान लड़ाकू था किसके युद्ध में? तो ट्रोजन के युद्ध में, ट्रोजन वॉर में महान लड़ाकू कौन था, या महान सेना कौन था दोस्तों? वह था एकेलिस। एकेलिस जो था अकेले 30,000 सैनिकों को मार गिराया था, 30,000 सैनिक सोल्जर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो क्वेश्चन है कि हु आर द ब्यूटीफुल वुमेन, हु आर द ब्यूटीफुल वुमेन दैट आर कैप्चर्ड एज प्राइज, ठीक है। तो प्राइज सुंदर महिलाएं वो कौन थी जो प्राइज कैप्चर के रूप में की गई थी? तो वे सुंदर महिलाएं थीं दो, ठीक है, ये कौन कौन सी थी? तो ये क्रिसियस एंड ब्रेसियस, ये दो महिलाएं थीं, ब्यूटीफुल महिलाएं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो अब आपके जो है क्वेश्चन वे आपके 5 मार्क्स वाले आते हैं, तो लॉन्ग आंसर टाइप में। देखिए एग्जाम में इसका आंसर बोला गया है कि 300 शब्दों में करना है, मतलब एक खड़ा पन्ना है ना इसका दोनों साइड, इधर भी एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, ठीक है, तो ये दोनों साइड करने हैं, इस साइड भी और इस साइड भी, समझ गए बात को? पूरा लिख के भर दीजिए पेज सब। तो देखिए बहुत ही चीज़ आएगा, आप लोग पढ़ के जाइएगा, कॉमेडी मतलब कॉमेडी बोल रहा हूँ यार, पोइट्स वगैरह। तो पहला है दांते एज अ पोइट, दांते को एक कवि के रूप में बताना है। नेक्स्ट है कि आपका सरलस ऑफ सिन डिपिक्टेड इन द डिवाइन कॉमेडी, और यहाँ पे बोला गया है कि स्पेशल कैंटो 3 एंड कैंटो 4, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं,
तो फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें से किसी एक को बनाना है। नेक्स्ट है आपका आंसर एनी वन इन अबाउट 300 वर्ड, तो 300 शब्दों में आंसर करना है। पहला है कि राइट अ नोट, राइट अ नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिंग इन अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, तो रिंग जो अंगूठी दिया गया था ना, और फिर दिखाने पे उसको याद आ जाता है, क्या नाम था उसका, दुष्यंत को, तो उसके बारे में बताना है कि राइट अ नोट ऑन द सिग्निफिकेंस, ठीक है, द रिंग अभिज्ञान शकुंतलम। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि राइट इन ब्रीफ अबाउट, राइट इन ब्रीफ अबाउट द रोल ऑफ वर्गिल, ये कौन है, तो पोर्ट्रेड इन द डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी को मैंने तो नहीं पढ़ा है क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था, बट इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा है आपका इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे कहानी में पढ़ने में मिलेगा कि लगेंगे यार कोई मूवी देख रहे हैं, ऐसा ऐसा लगेगा, मतलब मस्त मस्त एकदम कहानी है। ठीक है, अब आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में जो है दोस्तों आपके 15 मार्क्स वाले, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 20 मार्क्स और किसी किसी यूनिवर्सिटी में 12.5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 10 मार्क्स का भी आता है, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम इसी टाइप से आएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे पहला, ये नोट करते जाएंगे, आपका इम्पोर्टेंट है, यार मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, डकारें आ रही हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि इवैल्यूएट द कैरेक्टर ऑफ, कैरेक्टर बताना है, चरित्र बताना है, किनके बारे में, तो केकई के बारे में, ऑफ रामायण, ऑफ द रामायण, सॉरी द रामायण लगाना होगा क्योंकि रामायण एक महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि राइट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ बुक भाग दो ऑफ रामायण। ठीक है, तो क्रिटिकल एनालिसिस बताना है, मतलब जितने भी कमियाँ हैं भाग दो में उसको। ठीक है, जब भी आपको क्रिटिकल नोट लिखने बदले, चाहे क्रिटिकली राइट करने बदले, तो उसकी कमियों को बताना है। क्रिटिकल माने होता है आलोचना, ठीक है, और आलोचना मतलब बुराई, और भारत के आदमी बुराई करने में एक नंबर है यार ना, एकदम एक बोलो तुम 100 निकाल देगा वो। अगला है कि डिस्कस द मेन आइडिया कंटेंड इन द स्टोरी सिंधबाद द सेलर। ठीक है, तो सिंधबाद द सेलर के बारे में बताना है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि क्रिटिकली इवैल्यूएट द स्टोरी अली बाबा एंड 40 चोर, ना तो यहाँ पे अली बाबा और 40 चोर नहीं लिखाएगा, क्रिटिकली इवैल्यूएट द अली बाबा एंड 40 थीव्स। दोस्तों अली बाबा और 40 चोर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और क्या बताएं, आप लोग टीवी शो भी देखे होंगे, सीरियल भी देखे होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि डिस्कस दुष्यंत एज अ हीरो इन अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, तो अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत को एक हीरो के रूप में आपको बताना है। आगे देखते हैं, डी नंबर क्वेश्चन है कि इवेल्युएट द एपिक कन्वेंशन दैट यू फाइंड इन बुक भाग वन ऑफ द इलाइड। तो ये क्या है जी, मैंने तो नहीं पढ़ा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे देखते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इंप्रेशन डू यू हैव अबाउट, क्या है, तो अग्मेमोन एंड किलियस डिस्कस। देखिए ये दोनों टॉपिक जो है मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा है, इसलिए मुझे प्रोनाउंसेशन में भी दिक्कत हो रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अंतिम क्वेश्चन है इसमें कि कमेंट करना है, टिप्पणी करना है, कमेंट ऑन द थीम ऑफ द डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी के बारे में क्वेश्चन 2-3 आएंगे डेफिनेटली है, और अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में 2-3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर रामायण से क्वेश्चन आएंगे और सिंधबाद सेलर से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये 4 टॉपिक आप पढ़ लीजिए, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब पकड़ा जाएगा। तो ये था आपका इंग्लिश का पेपर जो कि पूछा गया था सेमेस्टर 2 में, मेजर पेपर में। दोस्तों इसका PDF का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहाँ से आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे सेमेस्टर 2 के मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का पेपर मिल जाएगा, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का पेपर मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश का पेपर मिल जाएगा, IBS का पेपर मिल जाएगा। तो ये सभी पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है,
एंड धीरे धीरे जितने भी हैं मेरे पास सब मैं कर दूंगा। थैंक यू, बाय, अच्छे से एग्जाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक। एक भी क्वेश्चन मत छोड़ के आइएगा, चाहे आप सके या ना सके सब लिख के आइएगा, ठीक है।